Hello, hello, and welcome to the Veena Decode. My God, I am like so tired after the whole day's work. वैसे आज का दिन मैं बता दूँ मैंने क्या किया, थोड़ा सा रीकैप. तो मैं बता दूँ कि आज मैं अभी अभी वापस आई हूँ फ्रॉम दिविशाज फोटोशूट. वो वीडियो तो आई एम श्योर आप अब तक देख चुके होंगे. फोटोशूट बहुत ही अच्छा रहा. इस बार मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं दिविशा का कोई फोटोशूट करूँगी, क्योंकि यू नो फर्स्ट टाइम मॉम का एक अलग वो होता है, मतलब एक एबनॉर्मल एक्साइटमेंट. मैंने एक्चुअली कुछ सोचा नहीं था, सोचा था करेंगे. बरखा एक्चुअली मेरे पीछे पड़ के उन्होंने मुझे कन्विंस करके मतलब इतना अच्छा ग्रैंड फोटोशूट रखा, एंड आई एम सो ग्लैड वी डिड इट. आज के दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा मैं कुछ शूट भी कर रही हूँ, प्लस मैं दोनों बच्चों के साथ भी हूँ, मैं उन दोनों को छोड़ के कहीं गई नहीं हूँ, वो दोनों साथ में हैं, उन दोनों के साथ शूट कर रही हूँ. टुडे इज लाइक द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ. हर एक दिन एक एक नई नई चीजें जानने को मिल रहा है दोनों के बारे में. मुझे पता चल रहा है दिविशा पब्लिकली कैसे रिएक्ट करती है और लियाना पब्लिकली कैसे रिएक्ट करती है. इसी दौरान लियाना का भी फोटोशूट किया था, तो आप देखिए कि लियाना किस तरीके से, वो ग्रम्पी थी, अभी बिल्कुल ग्रम्पी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वो ऐसी थी. अभी बहुत हंसती है, शी इज लाइक द हैप्पी चाइल्ड, उसको देख के हम खुश हो जाते हैं, लेकिन तब वो हमेशा ऐसी रहती थी, एंग्री बर्ड. और सो नहीं रही थी तो ऐसे एंग्री बर्ड हुई पड़ी थी, और सुलाना उसको बहुत मुश्किल. और दिविशा ऑन दी अदर हैंड अमेजिंगली सो गई वो पोटला बांध के. लियाना गुस्से में आ गई थी वो पोटला बांध के, तो ये सो गई, ये गुस्से में आ गई, इसने बिल्कुल भी रोई नहीं, पता नहीं क्या था. एंड शी जस्ट डिड द होल फोटोशूट लाइक अ ड्रीम. अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा सिर्फ हाउ दिविशा एंड लियाना लुक, वो कौन किसके जैसे दिखते हैं, ये इसके लिए अलग से हम वीडियो करेंगे दोनों को साथ में बिठा के विद ऑल ऑफ यू विद ऑल ऑफ अस. लेकिन आज जो वीडियो है वो देखते रहिए, क्योंकि टुडे इज एन अमेजिंग डे. क्योंकि जैसे मैंने कहा दोनों के लिए सब कुछ अलग अलग चीजें हो रही है ना, तो लियाना के बहुत ऐसी सारी चीजें थी जो एक्साइटेड मॉम होके मैंने खरीद लिया था, दिविशा के लिए मैंने वो यूज ही नहीं किया. एनी गेसेस? नहीं, आप गेस नहीं कर पाएंगे मैं क्या क्या आज देने वाली हूँ लियाना का सामान. लाइक बिग वंस, ऐसे छोटे मोटे कपड़े नहीं, बिग गिव अवेज है. गिव अवे मैं शुरू करने से पहले घर आई हूँ, बहुत थक गई. आपने देखा सुबह से बच्चे भी रिलैक्स कर रहे हैं, सब फ्रेशन अप होने गए हैं, दूध पी के दोनों मतलब रेडी वेडी हो रहे हैं सोने के लिए. मैं भी सोच रही हूँ क्विकली नहा लूँ, नहा के फ्रेश हो जाऊंगी. तो नहाने से याद आया, एक्चुअली आई थॉट लेट मी डू सम इंटरेस्टिंग थिंग. कि जब आप थक के घर आ जाते हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं, बालों को झोंटा बांध के दिन को निकाल देते हैं, लेकिन दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट वी डू टू आवर हेयर. बालों में जब ढेर सारे प्रोडक्ट्स लगते हैं और बार बार बालों में स्टाइलिंग की जाती है, तो जो आपने देखा कि घर से करके गई थी और वहाँ पे भी मैंने एक बार किया, क्योंकि ऐसे जैसे अब हो गया ना वो खुल गया था स्टाइलिंग, और हर बार प्रोडक्ट्स भी यूज़ किया, हीटेड टूल्स भी यूज़ किया, तो बालों की हालत देखिए क्या हो जाता है. तो बार बार हीटेड टूल्स लगा के, बार बार प्रोडक्ट्स लगा के बाल खराब हो जाते हैं सिंपली स्पीकिंग. हमेशा बाल लंबे कितने हुए और किसके बाल कितने लंबे हैं वो बालों का हेल्दीनेस का कोई मेजरमेंट नहीं है. मेरे बाल अभी काफी लंबे हैं, बट उसको हेल्थी रखने के पीछे और नरिश्ड रखने के पीछे थोड़ी मेहनत है, जो मैं आज क्विकली करूंगी. ऐसा नहीं एकदम दो घंटे का वो है, क्विकली करूंगी और मैं क्विकली बताऊंगी. उसके लिए सबसे पहले मुझे नहाने जाना पड़ेगा, टू वॉश ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आर देयर इन माई हेयर और ऑयल इन माई हेयर, और उसके बाद मैं बताती हूँ. कितने भी थके क्यों ना हो, एक क्विक शावर मतलब शैम्पू शावर बालों में जो भी हीटेड प्रोडक्ट्स है वो सब कुछ को निकाल बाहर फेंक देता है. बालों को हमेशा नरिश्ड कैसे रखते हैं वो एक प्रोडक्ट के जरिए मैं आज आपको बताऊंगी. द प्रोडक्ट विच हैज बीन अ गेम चेंजर इन माई हेयर केयर रूटीन, लॉरियल पेरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू अप्लाई बिकॉज ऑफ द पंप दैट दिस बॉटल हैज. इसे अप्लाई करना भी मैं बता दू, यू अप्लाई इट ऑल ओवर योर हेयर बट नॉट द रूट्स. ये हमेशा से एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट था, और अभी दिस इज इन्फ्यूज विद न्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मूला. दिस इज actually so much more lighter and it is for all hair types and कोई भी सीजन में आप इसे यूज कर सकते हैं. अभी एक्चुअली क्विकली मैं बता देती हूँ कि ये सीरम पहले से बेहतर और इम्प्रूव्ड क्यों है. इस 16% lighter than the previous L'Oreal Paris Extraordinary Oil Serum. It gives a 24-hour shine and a 24-hour softness and also sun का जो UV ray है उससे protect करता है, और pollution और humidity से भी protect करता है.
और इसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल नॉन स्टिकी है और आपके बालों को 30% स्ट्रॉन्गर भी बनाता है बिकॉज इट इज इन्फ्यूज्ड विद 6 प्रेशियस फ्लोरल ऑयल्स दैट मेक्स योर हेयर हेल्दियर एंड मैनेजेबल। अभी मैंने हेयर को ड्राई कर लिया, मैं अभी दिखाती हूँ कि इसके बाद हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। बहुत ही थोड़ा सा सीरम आप अपने हाथ में ले लीजिए एंड रन योर फिंगर्स थ्रू द हेयर। इस प्रोडक्ट को मैं ओवरनाइट ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकती हूँ, तो कल जब उठूँगी माय हेयर विल बी एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल, जो नरिशमेंट है वो अंदर सीप इन कर जाएगा एंड मेरे हेयर में चेंजेस आते रहेंगे, जो कि एक्चुअली मैं एनी पॉइंट ऑफ द डे, एनी टाइम ऑफ द डे, इवन आफ्टर यू कमिंग बैक फ्रॉम द शूटिंग, थकी हारी, माई हेयर इज ऑलवेज नाइस एंड मैनेजेबल एंड नरिश्ड। इमीडिएटली आफ्टर वॉश अप यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आज किया, उससे हेयर फॉल कम होगा बिकॉज योर हेयर विल गेट डिटैंगल्ड। यू कैन यूज इट बिफोर यू अप्लाई एनी हीटिंग टूल्स ऑन द हेयर, सो दैट एक्ट्स एज अ हीट प्रोटेक्ट। इसका जो मल्टीपर्पज यूसेज है, जो भी मैंने कहा, मुझे ये बहुत पसंद है एंड आई लिटरली यूज दिस फॉर एवरीथिंग। तो आप लिटरली मेरा बिफोर आफ्टर देख लीजिए, दैट दिस वन इज ऑल्सो अवेलेबल इन अ ट्रैवल साइज पैक फॉर 30 ml। आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बातों बातों में देखिए मैं एकदम फ्रेश हो गई हूँ और नहा धो के तैयार चलती हूँ बैल्कनी में। उससे पहले ना जीविता को फोन कर लेती हूँ बिकॉज शी सेड कि वो मेरे घर के आसपास कहीं है। बहुत सारा सामान मैंने एक जगह पे करके रखा, वहाँ से सब ढूंढ ढांड के निकालना अकेले के लिए मुश्किल है। मम्मी बिजी है बच्चों को लेके, शारदा वारदा का मैं हेल्प नहीं ले सकती क्योंकि वो बच्चों को देखते हैं, तब भी तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकती हूँ। हाँ हेलो जीवी, कब तक पहुँच रही हो? अच्छा आ गई नीचे, ओके ठीक है, चलो मिलती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऊपर ऊपर आ जाओ। मेरी बेबी वो थकी नहीं, वो सोई नहीं, उल्टा हैप्पी बेबी पोज करने बैठ गई इधर। दिस इज कॉल्ड हैप्पी बेबी पोज और हम जीविता मासी के लिए वेट कर रहे हैं, है ना? जीविता मासी आ गई। स्माइल किया। हाय पीनू। आज पीनू सबको अपना सामान जो भी है पीनू के सब देने वाली है, तो सही टाइम पे आ गई। चलो दरवाजा बंद करो, अंदर आ जाओ। हाय टाइम। शॉपिंग करने गई थी, जैसे एक ही ड्रेस पिक किया। दिखाओ कौन सा। अच्छा यही पिक किया और यही पहन लिया। वाओ सच अ नाइस आउटफिट। बहुत लोगों ने जीविता को भी पूछा है हाँ कि आप अपने कुछ अच्छे अच्छे आउटफिट दे दीजिए, तो उनको बोल दीजिए वो अपने बहुत सारे मतलब सारे नए नए पड़े थे उसके आउटफिट। शुरू करती हूँ जीवी। हाँ मेरा हैप्पी बेबी को देखिए, दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, मेरे बच्चे रिमोट शीशी और पता नहीं वैसे सारे द्रव्य के साथ खेलती है जिसके साथ खेलना नहीं चाहिए। एक हाथ में रिमोट, एक हाथ में शीशी बोतल। चलो पीनू चले तुम्हारा सामान लोगों को देने, वही गिरना नहीं बाबा। जल्दी वो बाइट नहीं करेगी, नहीं थोड़ी देर के बाद उसको उसको मांगो टक्कर वो देगी, बहुत सॉफ्टली देती है। बोलो तुम बोलो उसको। Don't make her cry. Can't stop. What you can't stop? But it's so cute the face. Okay, मामा इतने दिनों के बाद आएंगे तो मामा को भूल जाएगी ना। और ये मेरा बाब इतना क्यूट करते, अरे वो तो बहुत दुख है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, देखो कमरे में है ही नहीं। और उसको क्यों हेलमेट पहना दिया? आँख से आँसू। हाँ लाइट ऑन है। बाबू आ जा। Yellow light. Wow, लेकर आ गई जीविता ताकि आप लोग देख सके। वैसे इतने लाइट में हमें दिख रहा है पर आई एम श्योर कैमरा में नहीं दिख रहा है। अरे चलो मामा नहीं है, हम ये सब देखते हैं, आ जाइए। ओ वाओ, दूर से बालकनी का ये पोर्शन देख के लगता है जैसे बहुत पता नहीं क्या सब मैंने रख दिया है इसके अंदर। तो ये है देबीना का बालकनी का पिटारा। इट्स टाइम टू से गुड बाय।
क्योंकि हम कुछ और कर ही नहीं सकते ये बालकनी में, खड़े भी नहीं रह सकते. हाँ एक्चुअली बालकनी इतना बड़ा है, इतना सुंदर है. जीविता बोल रही हम बालकनी को कब सजाएंगे, और मैं बोल रही हूँ बालकनी में अभी सामान रखा हुआ है ना, सामान रखा हुआ मैं किसको दूँ. मेरे गुरमीत के बड़े भाई का जो बेटा तो उनके पास है ऑलरेडी ये सब. मेरे इर्द गिर्द और कोई इतना मतलब छोटे बच्चे किसी के हुए नहीं, तो क्या तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था. मैं वेट कर रही थी कि जीविता कभी शादी करे. अच्छा वो बहुत बोर हो रही है, उसको मैं मम्मी के पास छोड़ के आ रही हूँ. थक गई है पर नींद नहीं आ रही आइडिया. तो हमने डिसाइड किया कि जिसको बेबी हो चुका है या जिसको बेबी होने वाला है और जो भी बेबी प्रोडक्ट्स के जो भी चीज़ें हैं वो हम गिव अवे करेंगे. बिकॉज देवीना को बहुत अच्छा लगता है जब उनको फोटोज आता है कि आप लोग ने उनके चीज़ें यूज़ किए. सो इट्स ओवरवेलमिंग एंड दैट्स ऑल हम अपने जर्नों में उसे कैप्चर कर लेते हैं वो मोमेंट्स को. तो इसीलिए बेस्ट पार्ट इज टू गिव अवे टू हर ओन पीपल दैट इज योर. तो एक्चुअली जब मैंने सोचा कि मुझे समझ में नहीं आता किसको दूं, जीवी ने बोला देबिना डी कर्ट्स फैमिली को, और क्या. तो मुझे ये आइडिया सबसे अच्छा लगा. तो यहाँ पे देख के अगला लग रहा है जंगल, मैं यहाँ से निकालती हूँ एक एक करके. हाँ तो देबिना प्लीज आप दिखाओ और मैं हट रही हूँ क्योंकि मैं जगह दे रही हूँ जगह. तो लाइट की कमी है तो दोनों को एक ही जगह पे आके खड़े खड़े बात करनी है. और एक बात बताओ, जब फर्स्ट टाइम बेबी हुआ था मैंने इतना सामान ठूसा था, इतना सामान. फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है अब मैंने रूम का डेकोर अलग कर दिया. अभी दो जन एक कॉट में तो फिट नहीं हो सकते तो मैंने बेड लगा लिया, आप लोगों को पता है. तो कॉट कॉट बोल रही हूँ तो मतलब ये जो कॉट आपको दिख रहा है दैट्स माई फर्स्ट गिव अवे. सो नंबर वन इज द हनी हनी कॉट एंड इसके साथ बेडिंग वेडिंग अटैच सब कुछ है, सब कुछ. और ये एक्सटेंडेबल भी है जस्ट इन केस इफ़ यू हैव वन चाइल्ड एंड आर नॉट प्लानिंग फॉर अ सेकेंड और वॉट एवर इट इज. मतलब इट्स योर लाइक सेकेंड चाइल्ड बट छोटा है या छोटी है, ये बड़ा होता रहेगा एक्चुअली. और बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, लियाना फर्स्ट 7 months इसी में सोई, लेकिन अभी बेड के साथ ये जगह नहीं है. लियाना बड़ी हो गई, उससे निकल के मतलब गिरने की कोशिश होती है, ये छोटे बच्चे ही सो सकते हैं. मुझे और एक या तो ये खरीदना पड़ता या फिर मैं एक बेड खरीद लेती. तो मैंने बेड खरीद लिया, वो एटलीस्ट 4-5 साल मेरा चल जाएगा, दोनों सो सकते हैं. बट ये फिलहाल मेरे काम के नहीं है तो मैं आपको दे रही हूँ. नंबर टू इज हाई चेयर का छोटा वर्शन. तो ये चक्के वाला चेयर है, अगर आप चाहते हो आपके बेबी इस पे बैठ बैठ के वो हाई चेयर वाला फीलिंग ले, लेकिन हाई चेयर नहीं है आपके पास. मतलब ये एक्चुअली चक्के के साथ घड़घड़ घड़घड़ करके पूरे रूम में घूम घूम के बेबी खा सकती है. तो ये पहले ऐसे घूम घूम के लियाना खाती थी. थर्ड इज दिस लव लैप का कार सीट अमेजिंग है. मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, जब बहुत ज़्यादा छोटी थी मैंने यूज़ किया. और अभी दो बच्चों के साथ ये दो दो कार सीट मैं लगाऊंगी तो मेरा कार एकदम भर जाएगा. और एक को कार सीट में बिठाऊंगी, एक को नहीं बिठाऊंगी, वो भी अच्छा नहीं लगता. तो इसीलिए मैं ये कार सीट अभी दे देना चाहती हूँ. कैरियर कॉट, आप लोग को याद होगा लियाना को जब हम हॉस्पिटल से लेकर आए थे तो इसी में लेकर आए थे. जितना मुझे लगता है कि जब आपके पास फर्स्ट टाइम बेबी होते तो आपके प्लान्स इतने बड़े बड़े होते हैं, उससे पहले उसका सामान आ जाता है और वो आप लेके पहुँच रहे हो उसको लेके जाने के लिए. लेकिन दिविशा के टाइम हम इसको लेके जाना ही भूल गए थे, हाथ में लेके आ गए थे. ऑब्वियसली सिचुएशन भी अलग था लेकिन फिर भी पता नहीं भूल ही गए थे. अभी भी जाते हैं भाग के दोनों को यहाँ यहाँ ऐसे लेके चले जाते हैं, ये सब यूज़ ही नहीं होता है. तो जस्ट इन केस इफ यू वांट टू यूज़ इट एंड देयर इज़ अ नीड तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में भी लिख के भेजिए. फिफ्थ थिंग इज़ दिस स्मॉल बेबी सीट. इसके भी काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे आप, इस पे बैठे बैठे लियाना हमारा डांस वांस देखती थी. ये भी मैं फिलहाल दे देना चाहती हूँ. लास्ट इज़ द लव लैप्स फूड प्रोसेसर. इसमें खाना आप बना सकते हो, दाल चावल या सब्जी जो भी है आप उसको दे के ऑन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली पक जाएगा. और उसमें एक मिक्सी टाइप का भी है तो उसमें पल्प भी बन जाता है वो खाना. सो इट्स लाइक एन कंप्लीट बेबी फूड प्रोसेसर, सो दैट्स ऑल्सो अमेजिंग. तो इतने सारे चीज़ें हैं देने के लिए, मतलब कम नहीं है. कुरियर वो करने जाऊंगी तो ही ना बड़ा पैकिंग करना पड़ेगा मुझे. ओह सॉरी भूल रही हूँ, और एक चीज़ है, दिस इज़ अ बैसिनेट. बैसिनेट को भी मैं दे रही हूँ, इसकी भी मैं ज़रूरत महसूस नहीं कर रही हूँ. आया था मेरे पास, मैंने यूज़ भी किया है थोड़े दिन और अब मुझे लगता है कि मुझे बेबीज़ के साथ मेरे बेड पे चिपक के सोना ज़्यादा अच्छा लगता है दैन दिस बैसिनेट. ये भी मैं दे देना चाहती हूँ. कैसा लगा आपको मेरा गिव अवे?
तो आप मुझे प्लीज़ प्लीज़ लिख के भेजिए, शायरी ये वो मत लिख के भेजिए, सिर्फ इनके बारे में ही लिख के भेजिए, जो मैं नहीं दिखा रही हूँ उसके बारे में मत लिख के भेजिए, ये मत लिख के भेजिए कि मुझे ये चाहिए, तो मैं नहीं दे पाऊँगी ना, तो ऐसा। और मुझे फ़ोटो भेजेंगे वो प्रॉमिस भी लिख के भेजिए और फिर मैं आपको ये कुरियर करूँगी। उसके साथ ही मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूट करो, यहाँ पर बैठ के अचानक ये करने लग गए फ़ोन। तो आपने दिखा दिया जो भी आपको गिव अवे करना है। हाँ। एक सेकेंड, आपको वापस से ईमेल बम्बार्ड होगा। तो क्या करे, तुम्हारा कोई और ईमेल आईडी दे दे। हम एक्चुअली है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक न्यू ईमेल आईडी लिख रहे हैं, आप लोग प्लीज उसमें ईमेल करना, क्योंकि वो वाले में ना बहुत मैसअप हो चुका है, तो ये वाले में फ्रेश होगा और ईजी होगा। तो ये हम गिव अवे के लिए, तो देबिना डीकोड्स गिव अवे @gmail.com ऐसा कुछ बनाते हैं और आपको बताते हैं। हाँ, उस ईमेल में एक्चुअली टाइम टाइम पे हम लोग गिव अवेज करते रहेंगे, सो दैट वुड बी फन, नाइस, गुड आइडिया। जीवी मेरी जिंदगी के आइडिया है दैट बल्ब, टूम, या लवली, लिख के भेजिए, ईमेल आईडी क्रिएट करो और लोगों को दे दो, और आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी करना है करो, लेकिन कुछ करो। मैंने तो सलमान खान जैसे किया। हाँ, है ना, do whatever you want, but don't trouble your माता पिता एंड भारत माता।